एक्टिंग का कीड़ा हुआ जज्बाती, इसको तो किसी की एक्टिंग नहीं है भाती। अभी देखो आगे क्या होता है, आइए भाई। मेरा नाम है श्रुति निगड़े, मैं पुणे से आई हूँ, मेरा एज है 7 इयर्स। मुझे स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कार्टून देखने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीरियल देखने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीरियल में कभी कभी वायलेंस होते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना और बुरा नहीं बोलना। मुझे जितना है क्योंकि मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा चाहिए और मुझे मेरे फ्रेंड्स को दिखाना है कि मैं ड्रामेबाज हूँ। आ रही हूँ जजेस। हेलो, मेरा नाम है श्रुति, मैं पुणे से आई हूँ। कैन आई स्टार्ट? लाइट कैमरा ड्रामा। उल्फत के दरब पे फुरकत का यूज शर्मा ना। उल्फत के दरब पे फुरकत का यूज शर्मा ना। पहली लाइन समझ में आए तो मुझे भी जरा समझाना। बच्चों की लाइफ वैसे कूल होती है, लेकिन दो चीजें उनका पसीना चुरा देते, एक गर्मी तो पापा मम्मी। और पापा मम्मी क्यों? मुझे तो लगता है मेरा पहला वाला शेर समझना आसान था, लेकिन मम्मी पापा को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं तो मुझे एक ही जवाब सुनना पड़ता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब सवाल ये है कि मैं बड़ी हो गई हूँ कि नहीं। कल मैंने पापा से पूछा था कि अगर मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या मम्मी को बिना पूछे बाहर चली जा सकती हूँ, तो पापा बोले अरे बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारे मम्मी को बिना पूछे बाहर नहीं जाता। मम्मी पापा का लॉजिक ही मेरे समझ में नहीं आता। आपको पता ये मम्मी पापा है ना बहुत डिमांडिंग होते हैं। पहले मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर शांति से टीवी देखती थी, तो वो मुझ पर चिल्ला कि मैं बाहर खेलने क्यों नहीं जाती हूँ। तो मैंने खेलना शुरू किया तो पापा बोले कि मैं घर में सिर्फ लॉजिंग बर्डिंग के लिए आती हूँ, जरा पढ़ाई भी करनी चाहिए ना। तो मैंने पढ़ाई शुरू की तो उनको हैंडराइटिंग बननी दिखाई दी, तो मैंने हैंडराइटिंग अच्छी की तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दी। अब छोटी सी नन्नी सी बच्ची करे भी तो क्या करे। आज ही सुबह उनका झगड़ा हुआ, वो इस बात पर झगड़ रहे थे कि मैं किसकी वजह से इतनी बिगड़ गई हूँ। मम्मी को लगता है पापा के ज्यादा काम से और पापा को लगता है मम्मी के ज्यादा प्यार से। दोनों भी पूरा राशन पानी लेकर इस नन्नी के जान के पीछे पड़ गए थे। बस अब बहुत हो गया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उपयोग करूंगी और एक फॉर्म भर के मम्मी पापा को पूछूंगी कि आप एग्जैक्टली चाहते ही क्या है। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। अब मेरी एक आखिरी गुजारिश है, उल्फत के दरब पे फुरकत का ये शर्मा। उल्फत के दरब पे फुरकत का ये शर्मा ना। मम्मी पापा समझ में आए तो मुझे भी जरा समझाना। माय गॉड, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। आपका नाम बताओ जल्दी से, आपका नाम बताओ। रोजेस आर रेड, स्काई इज ब्लू, ऑल माय डियर जजेस आई लव यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रुति निगड़े। श्रुति, आपके मम्मा पापा को बुलाओ, मुझे इन मम्मा पापा को देखना है जिनके बारे में आपने इतनी लंबी सारी बातें की है। पापा आए, मम्मी नहीं आई। अच्छा, मुझे बताओ आपने ये सब याद कैसे किया, इतना लंबा आपने याद कैसे किया?
वो 3.5 साल से ये कर रही है, वो मोनैट में पार्टिसिपेट करती है, वो हिंदी मराठी और संस्कृत में भी वो मोनैट करती है। तो उसका मतलब याददाश्त मतलब काफी दाद, कुछ नहीं भूली, ना शिकन जाया, ना याद करने की कोशिश की, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजेस के साथ, बेटा तुम तो मतलब गॉड गिफ्ट है ये। रियली ड्रामेबाज हो, माय गॉड, ट्रूली यू आर अ ड्रामेबाज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बेटा, यू आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे हो आप। ये इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, मैं इसको किडनैप करने वाला हूं, अपने पास ऐसे पकड़ के लेके चला जाऊंगा। कितनी क्यूट है। जाओगे? आओगे मेरे साथ? आओगे? आई आएगी, 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 आएगी। इतना सब याद करने में कितना टाइम लगा आपको? मैं 15 डेज में करती हूँ, या फिर बहुत लंबा हो तो 20। अब पापा के पास एक मिनट के लिए चले जाओ आप। तो सोनाली जी, मैंने तो कह दिया जो कहना था, मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट है। और मैं एक बात बोलूं? हाँ अनुराग, मुझे लगता है कि टॉप 20 में से मिल गई हमको। हाँ। ये 100% जाएगी उस दर तक। पक्का, श्योर, फाइनलिस्ट है ये, गारंटी। ये लगती है कि ये फाइनलिस्ट, गारंटी। आप नाश्ते में क्या खाती हो? नाश्ते में कभी कभी बिस्किट और मिल्क। अगर नाश्ते में आपको कोई कीड़े खिलाए तो आप खाओगे? नहीं, पर मुझे एक्टिंग का कीड़ा पसंद है। ड्रामेबाज, इसके अंदर है एक्टिंग का कीड़ा। उफ, पटाका, दिवाली का एटम बम। रियली, और कैसे फराटेदार बोले जाते, उसे कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कहीं मैं आगे स्किप नहीं होंगी, कहीं अटकूंगी नहीं, मुझे पता है, फुल कंट्रोल ऑफ द स्टेज एंड एक्ट। दादा ऑनेस्टली, इतना लंबा याद करने के लिए मुझे 2 दिन लग जाएं। हां, इसकी उम्र थी कम लेकिन एक्टिंग में था दम। मैं उड़ रहा हूं। आई वाह, मैं